अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। मेरठ जिला के गांव कलंजरी में एक युवक ने अपनी चाची को चाकू से गोदकर केवल इसलिए मार दिया कि उसने अवैध संबंध बनाने में उसका साथ नहीं दिया, साथ ही उसके माता पिता को यह बता देने की चेतावनी भी दे दी। इससे घबराकर युवक ने चाची को चाकू से गोदकर मार डाला। मेरठ पुलिस ने 12 घंटे में इस घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में जिस युवक को गिरफ्तार किया है उसका नाम मानिक भारद्वाज है। थाना जानी के अंतर्गत गांव कलंजरी में कुमार शर्मा की बीते 27 जनवरी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। शुरू में हत्या का शक एक कबाड़ी पर जा रहा था, लेकिन बाद में पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक देहात केशव कुमार ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। थाना जानी के ग्राम कलंजरी में कल एक महिला जिनका नाम कुमुद शर्मा है, उम्र लगभग 45 वर्ष, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण हेतु SSP सर के निर्देशानुसार तत्काल टीमों का गठन किया गया। 12 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें मृतका के पति का जो भतीजा था मानिक भारद्वाज, उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। सख्ती से पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि ये पहले भी 2-3 बार ये प्रयास कर चुका था कि अपनी चाची के साथ ये संबंध बनाए, परंतु कल जब इसके चाची के घर पे उसके दोनों बच्चे अपने कॉलेज गए थे पढ़ने के लिए, घर में कोई नहीं था, इसने ऐसा प्रयास किया तो चाची के द्वारा विरोध किया गया, इसको थप्पड़ मारा गया और कहा गया कि मैं इसके बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। ये आवेश में आ गया, ये काफ़ी डर गया। इसके बाद वहीं घर में पड़े चाकू से इसने अपनी चाची की हत्या कर दी। और इसकी पुष्टि अन्य कई तरहों से होती है, जैसे इसके हाथ में यहाँ पे धारदार जो चाकू था जिससे इसने हत्या का प्रयास किया गया उसके कट थे, हाथ पे काफ़ी खरोंच के निशान थे, सीने पे खरोंच के निशान थे, उसके बाद जो इसने चप्पल पहन रखी थी उसके ऊपर खून के छींटे थे। उसके बाद ये भी बात संज्ञान में आई और तस्दीक हुई कि ये 8 बजे भी सुबह नहा चुका था, उसके बाद घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की थी, उसके बाद 10 बजे दोबारा ये नहाया। जब इन सब चीज़ों के बारे में इससे सख्ती से पूछताछ किया गया तो इसके पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं था और इसके द्वारा फिर घटना कबूली गई, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।